जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर केशरी लाल वर्मा जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। बात के शुरुआत करथन, आपके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई से? मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के रहिया हूँ, रायपुर में मोर पैदाइशी। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में यहाँ रायपुर के अमीन पारा स्कूल में पढ़े हूँ। मोर वो समय के जीवन है तेन हाँ बाहन पारा, अमीन पारा, हरी पारा, यही में बीते हैं। पुराना रायपुर यही है। यही है। हाँ। और मैं है दूसरी कक्षा तक अमीन पारा स्कूल में पढ़े हूँ। हाँ। वो मंदिर के बाजू में है, सीता। हाँ। मंदिर के। और दूसरी कक्षा पास करें गर्मी के दिन रही से, और ऐसे दुर्घटना हो गए कि मोर पिताजी के देहांत हो गए। तब मैं आगे के पढ़ाई ला अपन गांव में जाके करें। अच्छा। मोर गांव यहाँ ले 20 किलोमीटर के दूरी में है, और भिलाई चरुदा के पास में नंदौरी गांव है। अच्छा। ओकर बाद अपन गांव में रीके में हाँ आगू पढ़ाई करें। तीसरी ला गांव में पढ़े। हाँ। चौथी पांचवी ला पढ़े भर में भिलाई तीन वही मेरे स्कूल पास में हुई रही सो समय। हाँ। और ओकर बाद फिर मैं है मिडिल स्कूल के पढ़ाई छठवीं सातवीं आठवीं ला अपने गांव में करें। हाँ। अच्छा। और फिर मैं है मोर गांव में आठवीं तक पढ़ाई हुआ है उस समय। अभी भी आठवीं तक है, वहाँ मिडिल स्कूल है। हाँ। तो आगे नौवीं के पढ़ाई करे भर में भिलाई तीन जनता हायर सेकेंडरी स्कूल कहलाते हैं। हाँ। वहीं मैं है नौवीं दसवीं ग्यारहवीं पढ़े हूँ। अच्छा। तो मोर पढ़ाई है रायपुर से शुरू होके नंदौरी और भिलाई में पूरा हुए, हाई स्कूल तक की है, हायर सेकेंडरी तक, ग्यारहवीं तक की पढ़ाई है। हाँ। ओकर बाद मैं हाँ वो समय भिलाई एरिया में गणित लेके पढ़े रहे हैं और टॉपर रहे हूँ। अरे वाह, तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में मोर सिलेक्शन हो गए। अच्छा। तो रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं हाँ फर्स्ट ईयर पढ़े हूँ, ये सन 72 के बात है। अच्छा। 73 में मैं फर्स्ट ईयर ला पास कर रहे हूँ। अच्छा। ओकर बाद अब परिस्थिति तो अब अपन अनुकूल हुआ ही नहीं। हाँ। और जिसे मैं पहले बताया कि मोर उम्र करीबन 7 साल रही सोई पिताजी के देहांत हो गए रही से। हाँ। स्वर्गवास हो गए, तब स्वाभाविक है कि जैन परिस्थिति है इस तरह अनुकूल अपन ला ढाले। हाँ। तो फर्स्ट ईयर करे के बाद मैं हाँ इंजीनियरिंग के पढ़ाई छोड़ दें 73 के बाद। अच्छा। और आगे मैं हाँ कुछ काम करें, बाद में मोर नौकरी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में लग गए। अच्छा। और वहाँ मैं यहाँ 10-10.5 साल तक काम करें। अच्छा। और डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए हैं, परीक्षा पास करते हुए। ओकर बाद में है यूनिवर्सिटी की नौकरी में आया। और लगातार अभी यूनिवर्सिटी की नौकरी के साथ साथ बीच में मैं हाँ भारत सरकार मतलब वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष बनाए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन। तो वो काम ल करे बर फिर मैं दिल्ली में रहे हूँ। दिसंबर 2012 से 2015 दिसंबर तक मैं हैं दिल्ली में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के काम करें। हाँ। और जिन्हें दिन में हैं वहाँ ज्वाइन करें तभी मुझे एक और जिम्मेदारी दे दीस। अच्छा। वही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक ठनऊ लैंग्वेज के डिवीजन है। हाँ। वो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। हाँ। ओकर मुला निदेशक बना निदेशक बने रहे हो। तो दोनों काम में वही दिन से शुरू करें और आखिरी वहाँ के मोर टेनवर पूरा हो तक दोनों देखें। बीच में मुला एक जिम्मेदारी दे दीस, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। अच्छा। सिंधी विकास परिषद होते। अच्छा अच्छा। तेकरो डायरेक्टर के जिम्मेदारी दे दीस, काबर की वो डायरेक्टर के पद जिन काम करते थे तेला ज्यादा जिम्मेदारी मिलती थी लगते। अब इसने लगते मोर साथ तो इसने है, तब मैं है तो जेन मूल जिम्मेदारी मिल जाते तेन लगता हूँ। यहाँ आया थोकिन दिन रहे। हाँ। तो अब सरकार छत्तीसगढ़ शासन मुला कुलपति बना दी तो कर काम करत हूँ। तो मोर जीवन तो ऐसे है कि जेन काम मिल गए जेन समय मिल गए। अब जैसे बताएं कि कोनो दिन मैं इंजीनियर बनल जाते रहे। हाँ। तो कोनो समय ऐसे आगे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ के आप ठीक सर वाला काम करें,
शिक्षक बने की इच्छा जरूरी से मोला बहुत अच्छा लगे मोर गुरुजी मन जन पढ़ाए तेरे प्रतिफल के मैं आजकल कुछ कर सके हों तब ऐसे लगे कि एमे काम करे में मोला संतुष्टि हो ही। हाँ। तो लेक्चरर रहे रीडर हैं 2003 में मैं प्रोफेसर हो गया। हाँ। तो मोला एक लगाओ जैसे कि तेन ल में पाले हूँ इसे कहा जाए और जिन जिन समय जैसे जिम्मेदारी आवत गई तेन ल में हाँ कोशिश करो अपन स्तर पे कि अच्छी तरह वाला निभा लो। एक सवाल मुझे दिमाग में आता है कि अमीन पारा के स्कूल वही रायपुर और वही रायपुर में आप कुलपति तो कैसे लगते आप ला कि वो स्कूल के वो टाइम लगा याद करो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के समय याद करो तो आज आप कुलपति हो रहे शंकर विश्वविद्यालय के तो वो कैसे महसूस करते हो आप? अब स्वाभाविक है बड़े खुशी होते और साथ साथ जिम्मेदारी भी लगते। हाँ। अपन बीच में काम करवे तो लोग बाग के अपेक्षा भी रही थे। हाँ। कि अपन बने काम करते थे नहीं अलग जाने पर। हाँ। और ये भी होते कि नहीं लोग बाग काय की भाई अपन पूरा शक्ति से काम करन अच्छा काम करन और जिहाँ रिबे उकरे मन के बीच में जन इतना काम करे के जन अवसर मिलते वो बड़े सौभाग्य की बात है। मैं हाँ बाहर भी जाके काम करे हूँ ये तो जैसे बताएं फिर भी मोला अपन यहाँ छत्तीसगढ़ प्रति विशेष लगाव और मोर अपन छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कर सकत हूँ का ये भावना कि हाँ कि अपन देश भर करते हैं सब कुछ करते रहते हैं काम लेकिन अब छत्तीसगढ़ अपन है हम यहाँ पैदा हुए हैं यहाँ बढ़े हैं और हमार यहाँ सब जान पहचान है परिवार है हमारे दोस्त यार है सब तो ओकर बीच में काम करवे तब एक अलग प्रकार से संतुष्टि भी होती है और जहाँ निकल गए ककरो जगह चल दे कहूँ भी बुलावत है आत जात बैठत हो तो ऐसे लगते कि नहीं हम ना अपने मन के बीच में काम करत हन और कुछ उपलब्धि कुछ हो सकी दिखी तो अपन समाज के कुछ कर सकत हन तो वो हमारे सामने दिखत है हमारे मन हमारे समाज के हमारे छत्तीसगढ़ समाज के पूरा आसपास के मन के कुछ काम हो सकते ये एक प्रकार से बने लगते हैं। इसे आप भाषा के जानकार हो भाषाविद हो आप और वर्तमान जो समय है उमा धीरे धीरे भाषा है अपन मर्यादा भी खोआ थे भाषा कम भी हुआ थे लोगन बोल चाल में जतका शॉर्ट के उपयोग करत हैं तो वर्तमान समय में जिन संवाद है तीन कम हुआ थे उखर का कारण लगते हैं आपने? हाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संवाद के जिन अवसर से पहली हाँ। जिन मिल बैठ के बात करन एक दूसरे से चर्चा करन करन चौक में बैठ के चर्चा करन एक और आदत रही से कि ककरो यहाँ बैठेल जान सुख हाँ। दुख ल पूछन और कोनो मेरे कोनो मिल जाए ना तो तोर का हाल चाल है का करत हच ऐसने एक पूछना हो जाए सही कहा और ओकर से का है कि एक लगाव रहा है और अब आत्मीयता लगे हाँ। तेन हाँ कई बार ऐसे लगते कि हम अपन काम में अब लग गए हैं ना तक व्यस्त हो गए हैं कि वो सब संवाद कम हो जाते हैं और तमाम और कहीं सुविधा आ गए इलेक्ट्रॉनिक सुविधा आ गए सब कुछ मोबाइल आ गए सब तेनों इसने करत है लेकिन ये ला बनाए रखना चाहिए हमन ला जतका हमन बात करबो ये भी मान के हमन चलथन कि संवाद बहुत महत्वपूर्ण कतको भी कड़वाहट कतको टकराहट हुई कतको मन मुटाव हुई हाँ। लेकिन दो बोल मीट हो गए ना तो वो सब मिटा जाते ठीक और सब बने लग जाते तो हालचाल पूछना यही बात रहे कि भाई ओकर घर की स्थिति का है जान लान है ना हाँ। ये छत्तीसगढ़ी में बहुत प्रकार से बोले के पूछे के आदत है आदत है। यहाँ तक हमन पूछ रहे कि काय साग खाए हाँ। काय चुरे सही कहना है ना ऐसने हाँ। तो वो है एक प्रकार से ओकर स्थिति जाने के भी आधार है ओकर प्रति एक सद्भावना भी दिखाए और मेलजोल ठीक है ये के बहुत अच्छा अवसर छत्तीसगढ़ में रहे और यहाँ तो हर व्यक्ति है कहीं न कहीं संबंध में जुड़े हैं हाँ। कोनो जात के रहा है हाँ। काका काय हो गए हाँ ममा कैसे तो तबियत वबियत कैसे है ये जिन भाव है ना हाँ। कि हर आदमी ला कोई रिश्ते नाते से बात करना और ओकर प्रति एक
लगाओ एक पूछबे तो स्वाभाविक रूप से भी मूल पूछिसगा हो हाँ, हां मिलिस तो पूछिस से यही एक संतुष्टि बहुत बड़े भावात्मक एकता जे समरसता से एक चीज याद है जैसे हमारे यहां जैसे भोजली बदे वाले या मितानी बदे वाले या महाप्रसाद जिन हमन करण तो ओखर से बड़ा प्रभाव पड़ा बड़ा प्रभाव पड़ा वो तो अतेक विशेष है छत्तीसगढ़ के बारे में कि कोई भी अनजान आदमी संग थोकिन अच्छा बात हो जाए तो कर से भोजली बदले अब वो मितान बदले वो आजीवन वाला अपन सगे संबंधी जी से निभाना हो मतलब अपन परिवार के बीच तो स्वाभाविक है कि एक लगाव हो ही वो अपन सगे संबंधी तो कर से तिरबे कर ही लेकिन कोनो बाहर से भी आ रहा है कोनो जात के रहा है कोनो है के रहा है लेकिन ओकर साथ अगर इसने बदले ना तो वो जीवन भर चला है वो बहुत प्रकार के बदे के वो कर एक दो ठन नहीं है कई ठन है जैन जैसे मौका मिला वो इसने बदला है और ये महिला मन में भी इसने और पुरुष मन में भी इसने और वो जैन लगाव हो जाए जैन ओकर प्रति हो जाए वो मतलब आजीवन उमन और रिश्ते निभावे और लैका मन घलो ठीक हाँ वो हमार फूल दादा है फूल दाई है काय फूल दादा फूल दाई वो बदे वाला जैन रिश्ते हैं ठीक है तेन मितान वगैरह के तेकरे से जन रिश्ते तेन हो रहा है तो ऐसा चीज तो हमार छत्तीसगढ़ में काबर बहुत शांति बहुत मेल जोल बहुत ही कहा जाए कि ऐसे है कि संतोष की एक भावना तेनो ये सब चीज अपन संस्कृति पूरा समाज ले प्रभावित करते है इसने चीज के कारण हम देश भर में माने जाते हैं कि भाई छत्तीसगढ़िया आदमी सबले बढ़िया और बहुत सीधा और बड़ा संतोषी जीव है सही कहना तेनते है एक परिवर्तित हो जाते हैं बात बताऊं सर जैसे पहली स्कूल में सरकारी जतका स्कूल है या गांव के जिन स्कूल है ओमा जतका हमार परंपरा है सांस्कृतिक जिन त्यौहार है ओला स्कूल के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं जैसे नाग पंचमी हाँ, हाँ, तो ब्लैक बोर्ड में नाग भगवान बनाए पट्टी में नाग बना के लाना है कहा है तो ये सब चीज है इसे रहा है कि प्रकृति से जुड़े रहना अपन संस्कार से जुड़े रहना अपन तीज त्यौहार सब चीज जानना हाँ जैसे गाँव रहन तो गेड़ी तो सामान्य बात है हर हर घर में हर लड़का मन ला गेड़ी चढ़ना है और हर त्यौहार लो इसने ढंग के मिलजुल के मनाना है मनाना है हम तो ऐसे गांव में रहें जी है ना त्यौहार ला बड़ा मिल के मनाते हैं सब जन कई ठन चीज ला सामूहिक व्यवस्था करके ओला मना देते हैं तब एक सामूहिकता की भावना रहा अब पूरा गाँव निकला थे राउत नाचा हुआ थे घर घर नाचा थे निकला थे ओकर बाद एक साथ इकट्ठा होना थे ओकर पीछे भी चला थे गोवर्धन पूजा होते पूरा गांव इकट्ठा हुआ था बीच में रहे एक दूसरे ला टीका लगावा थे प्रणाम करे थे तो ये जिन माहौल में हम रहे हैं तो उसमें एक ऐसे लगे कि त्यौहार आवा थे बड़ा खुशी रहा है दिन निकला थे पढ़ाई भी हुआ थे और वो भी चला थे और त्यौहार मन के बड़ा महत्व लगा महत्व लगा गाँव के माहौल में जिन रहे है तेनो चीज समझी कि ओकर आनंद का है नरवा का कैसे महत्व है वहाँ कैसे बांधना है ओला में गर्मी के दिन में कैसे नहाना है कि तालाब का है कि बगीचा का है हम तो ऐसे गांव रहे हैं जी हाँ चारों ओर नरवा हैं बड़े बड़े तालाब बगीचा बड़े बड़े तो वो वातावरण में रहे न हमन गर्मी के दिन हमारे बगीचा में रहा है बड़े बड़े आम के बगीचा है पारंपरिक खेल जिन गाँव के रही थे गिल्ली डंडा हो गए बाटी हो गए भवरा हो गए आप खेले नहीं खेले हाँ जरूर खेले ना वो ही तो खेले रहा है हमन तो कभी क्रिकेट के बैट और बॉल जान भी नहीं करे बचपन में हो भी नहीं करे गांव में इसने कहाँ सुविधा रहा है इसने तब वही गिल्ली डंडा खेले और कई प्रकार के वहाँ डंडा बजरंगा से लेकर वो और कबड्डी और सब चीज अब मतलब जेन सुविधा है और मतलब सुविधा भी नहीं लगा का है कई ठन खेल बते और कहीं ज़्यादा लग भी नहीं करा लाइन खींच ले खेले वाला है कई ठन तो इतने जमीन में खींचने के लिए बिल्डर्स करा कहीं को सब प्रकार की लड़की मन भी खेला है लड़का मन भी खेला है तो वो एक जैसे स्कूल ले निकलन तो दौड़ के एक बस्थल घर में छोड़ना है और खेले पर दौड़ना है ठीक कहता और ओकर बाद वो सब जन निकला है जेन भी खेले तेन खेला आज लिखा मन ला कोनो ला किथे के ग्राउंड नहीं मिला थे शहर में टाइम नहीं है वो होमवर्क करा थे तो वो थोड़ा समय के परिवर्तन है आज की स्थिति में सब है लेकिन हमारा तो बस यही खेले ते जाना लिखा मन संग अपन संगवारी जौहरिया मन संग
और जिन गांव में हो सके जिन खेल होते जिनका नाम ले सब इसने बहुत खेल रहा है वही वही खेले रहा है भाई वही खेले रहे वही खेले कहीं नहीं जाना खाई खजाना का बड़ा महत्व रहा वो टाइम जैसे बाजार के दिन कुछ मिल जाती रही इसे तो बड़ा आनंद आती से लेकिन अब धीरे धीरे वो हो चीज जिन है काबर के लड़का मन के भी जिन सपना है तेन उम्मीद बढ़ गए है तैसे लगता है हाँ यही है अब वो खाई खजाना में का है चना मुर्रा तो ऐसे रही से कि बचपन में हिल जाना ना मन खाई खजाना आज भी मैं ना मुर्रा चना खरीद के लान था हाँ। और मैं है मतलब 30 दिन में 20-25 दिन तो जरूर खाता हूँ करके वो जिन स्वाद और जिन कर वो है ना तेना अभी भी बने हुए हैं अब वो जहाँ मिल जाते अच्छा मुझे पता है रायपुर में घलो कहाँ कहाँ मिलते थे ना हाँ। तो वो वही है ज़्यादा अच्छा लगते कभी कभी सभी चीज़ लग खाए होते अब इसने बात चला थे गांव के तो एक बात वो याद आते थे इनके कि हमन हाँ रोज तरिया में नहावन तो तरियल पार करन तौरत तौरत उसने तौरत तौरत आवन चैलेंज वो हाँ और वो चीज़ मतलब वो कर भी ना नहाए जैसे लाग भी नहीं करे इतने गे चो डूब के आ जैसे नहीं तरिया में नहाना चाह रहा है लेकिन वो आदत रहा है कि रोज वो तरियल पार करना है और पार फिर पार आना है आज अब वो चीज़ नहीं हो सका वो जैसे बाकी चीज़ के तो व्यवस्था करते हैं खाए पिए खोई ना चना मुनक लेकिन वो मतलब कई बार ऐसे लगते हैं कि जब मौका मिलते हैं ना हाँ। तब मैं इसने करता हूँ मैं कोनो जगह कहूँ गए हूँ इसने दरिया मिल गया दरिया मिल गया तो मैं माँ से जुड़े हुए कोई बात बताओ आप अपन जीवन में कहा बहुत कम उम्र में पिताजी के देहांत हो जाए एक बात आप यहाँ तक पहुँचो संघर्ष करो बहुत सारा और माँ के बड़ा योगदान रहते हर व्यक्ति के जीवन में आप यहाँ तक पहुँचे हो वो विषय बताओ ये बात तो बहुत अच्छा कहे हो आप कि माँ के योगदान होते लेकिन मैं हाँ देखता हूँ कि अन्य मन ले ज़्यादा मोर बने में मुला मतलब पाले पोसे में माँ के ज़्यादा महत्व रही रोल रहे वही है अब जैसे मैं कहूँ कि 7 साल के रहे हूँ तब पिताजी ख़त्म हो गए तो मुला तो माए पाले और वही है मुला एक संबल देवे कि ये ते बने पढ़वे तो बने हुए और वो है मोर माँ तो अनपढ़ पढ़े च नहीं रही हमेशा वो है मोर बेटा है साहब बनी बने पद में जाही ऐसे वो है अपेक्षा रखा है तो वो मुला लगे कि वो जिन सोचे है जिन कहा थे ते इसने मोला बनना पड़ी मोल मेहनत करना पड़ी तो मो ओकर जिन याद करता हूँ तो मैं वो मामला में बड़ा भावुक हो जाता हूँ कारण कि मोर माँ बहुत कठिनाई से मोल पाले माए कारण मैं हूँ जो कुछ हूँ बिल्कुल पूरा पूरा श्रेय में जो हूँ तेन मोर माँ कारण है बिल्कुल खाना क्या पसंद करता हूँ मैं हाँ छत्तीसगढ़ी खाना सब पसंद करता हूँ मतलब खोज के मैं हाँ बड़ी बिजोरी से लेकर भाजी में अगर चेज भाजी है या मान लो बुहार भाजी है तो उनमें खोज के लाता हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा पर विश्वविद्यालय का प्रयास करते हैं कि लड़का मन छत्तीसगढ़ यहाँ पढ़ें और उन ला आगे रोजगार भी मिले आगे अच्छा बढ़िया काम भी कर सकें अपन भाका ला लेके देखिए हम छत्तीसगढ़ी हमार पहचान है हमार राज्य के बारे में कोई भी सोचते छत्तीसगढ़ ऐसे कि छत्तीसगढ़ी की बात जरूर आ जाते हैं हमने ला पहली चीज़ तो है कि ला हमन अपन गर्व महसूस करन कि हमन छत्तीसगढ़ियान हमला छत्तीसगढ़ी आते हैं ये स्वाभिमान के बातें हैं अब छत्तीसगढ़ी के तो कोर्स हमन जिसे एमए के खोल दें लोग लिखा मन पढ़ाते हैं सीखत हैं रोजगार के अवसर तो सरकार पैदा करते हैं वह में विचार चलते हुए काबर के सरकार कई प्रकार के छत्तीसगढ़ ही ला आगे बढ़ाए बर नियम बनाए हैं बार बार प्रयास करत है कि राजभाषा के रूप में प्रयोग हुआ है अभी जैसे कोई भी आवेदन कर सकते है उनका जवाब हमला चाहिए कि छत्तीसगढ़ ही ला समृद्ध करना है
तो हर प्रकार के काम होना चाहिए, केवल साहित्य लिखे में और राजकाज में नहीं हुआ, वह संचार माध्यम के भाषा बन सके, वह विधि के भाषा बन सके, वह रोजगार और वाणिज्य व्यापार के भाषा बन सके, वह सब क्षेत्र में, जैसे हमन कितना अंग्रेजी सब जगह काम चलाती से सब जगह होते, हिंदी सब जगह फैल गए, ऐसे ऐसे होते, तो छत्तीसगढ़ी घलो सब में, और वो ये दौर में वो सुधरत जाही, बनत जाही, स्थिर हो जाही, और एक स्वरूप निर्मित हो जाए कि हाँ यहाँ ऐसे डीओ लेटर लिखना है तो इतना लिखना है, और सर्कुलर जारी करना है तो ऐसा करना है। वो कितने ना प्रयोग करे से ही ओकर विकास होते, ओकर स्वरूप स्थिर होते, मानकीकरण होते। हमन प्रयोग के अभी दौर में है ना, अभी करना चाहिए, और ये जब काम जब चारों तरफ चल ही तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ी जनिया मन के कुछ योजना तो बनावे कर ही सरकार है, और कई जगह भी जैसे प्रसारण हुआ थे, कई जगह छत्तीसगढ़ी में काम कई प्रकार के शुरू हो गए हैं, रेडियो टू भीम दिखते, रेलवे स्टेशन में दिखते, कई जगह ये दिखते, तो ये काम जिन चलत है अभी, अभी ट्रेनिंगे चलत इसे कि काम कैसे करना चाहिए कर्मचारी अधिकारी मनला, तो अब रोजगार के अवसर तो पैदा करे के जरूरत महसूस तो होते, लेकिन मन मांग घलो करते, अब अतेक जन हर साल पास हो के निकला थे, और मन के है अब वो बारे में सरकार घलो सोचते हुए स्वाभाविक सोचते है, और जब ये विस्तार हो जाए फैल ही तो काम भी मिल ही, ठीक है, नहीं हुई सीमित रही तब वो ककरो पर कहाँ काम है, अब सरकार तो मौका दे दे है, और राजभाषा हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी रही कही दे है, तो ऐसने जन प्लानिंग करके सब काम करना पड़ते हैं, और ऐसने स्टेटस प्लानिंग के बात करते हैं, कार्पस कहलाती है, सबके दोनों प्रकार के प्लानिंग चलते हैं, तो हम चाहतन कि भाई एक पर कोई लड़का मन पढ़ पढ़ के निकला थे और शिक्षित हुआ, तो ओकरो मन के कुछ अपेक्षा रही थे, अपेक्षा रही थी, हाँ, वही बात कि हम मन कुछ करन बनन, हाँ तो हो ही समय आही सरकार कर ही करके वो काम, तो वो स्तर पर होते ना, तो लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी पर अपन अपन स्तर पे जरूर काम करते रहना चाहिए, तभी वह एक स्वरूप पाही आगे बढ़ी और लगी। वो दिन यही बात चली कि मैं कहूँ कि कई जन का होते कि कोई भी कार्यक्रम में ये संकोच करते कि वो ये में हमन छत्तीसगढ़ी में बोलन कि नहीं, जब जाना था कि सब छत्तीसगढ़ी हमन बैठे जानकार बैठे ओकरे बारे में बात करा था, तो ये संगोष्ठी हुआ थे या सेमिनार हुआ थे या कोनो मेर व्याख्याने हुआ थे या कोनो जुरिया है कोनो काम पर, तब वह छत्तीसगढ़ी में बोले पर कुछ मन हिचक थे, संकोच करते, वही मैं कहा था स्वाभिमान के बात होना चाहिए कि बोला नहीं ये ऐसे मत लगे कि मैं छत्तीसगढ़ी में बात करके कुछ नीचे गर्व से कहे, गर्व के साथ करें, और वो है ना जिन बोलत है तेन जेकर उकर विचार है तेन उकर तक पहुंच बहुत बढ़िया हुई छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जगह जगह मैं तो कई जगह मैं छत्तीसगढ़ी में जहाँ मौका मिलता है लगते मुला कि मन छत्तीसगढ़ी समझिया है मेर, और बोलना उचित है जगह की ना, तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ, और कई जन मन किथे घलो कि मतलब बने करे मेरे बोल देते छत्तीसगढ़ी में, हाँ। आप तो इसने भी धारा प्रभाव बोल देता छत्तीसगढ़ी में, तो मैं कह मैं तो जीवन भर छत्तीसगढ़ी चिल्ला बोला घर में आया हूँ, हाँ। बचपन से बोला था हूँ, और स्वाभाविक रूप से अगर सामने वाला मुलक छत्तीसगढ़िया मिल जाते ना तो कोनो जगह हुआ मैं छत्तीसगढ़ी में बात करना पसंद करता हूँ, मुला ऐसे लगता है कि मोर आत्मीयता है, और मैं जिन बात करना चाहता हूँ ओला में बड़े सूक्ष्मता से छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता हूँ, कही सकता हूँ, तो मैं तो खी देता हूँ, इसने बोल भी देता हूँ घरों में बाहरों में सब में, तो ये छत्तीसगढ़ी के प्रति तो हबच लगाव कहीं कुछ काम करते रहते ना। वर्मा जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आप देसी टॉक में आए, अतेक सुघर सुघर बात आपसे करे एक मौका हमला मिली, धन्यवाद, जय जोहार।